पूछ रही है यार आप सब सीएम लेवल तक दिया है, विपक्ष को भी दिया है, इसको राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। इसमें जितने लोग पक्ष में जिम्मेदार थे उतने विपक्ष वाले भी हैं, और विशेषकर वो भी जो फ्रेंड्स जो हम हाईकोर्ट के लिए से जो जांच की मांग कर रहे हैं जज के अध्यक्ष, वो ये मांग रहे हैं कि उस तात्कालिक परिस्थिति में कौन लोग जिम्मेदार थे जिनको हमने सुरक्षा मांगी और वो सुरक्षा नहीं दी, तो वो जो IPS IAS जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो ताकि दोबारा किसी की जान रात भर से आप यहाँ पर धरने पर, वो सामाजिक शहीद है, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई सामाजिक शहीद है। हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय, जिस तरीके का कुकृत्य सुखदेव सिंह के साथ हुआ उस कुकृत्य से पूरा राजस्थान पूरा हिंदुस्तान आत्मीयता से अंदर से दुखी है, और जिस तरीके से एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए पूरी सरकार के सामने पूरे प्रशासन के सामने पूरे कानून के सामने उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने, पूरा फीडबैक था सरकार और प्रशासन के पास कि उनको खतरा है, जान का खतरा है, और आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए जनता आक्रोशित है, इस लड़ाई को हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको जेल में भेजा जाए, जिन लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि में अन्याय किया है, लापरवाही बरती है, लापरवाही तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जानबूझ के क्या करते लापरवाही में नहीं आता, गोहोर निंदनीय करते प्रशासन का रहा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, न्यायिक जांच की हमारी मांग है। ये चीजें हैं हमारी, जब तक प्रशासन हमसे बात नहीं करेगा नहीं पूरी होंगी तब तक चलेगा। पुलिस हाँ जानबूझ के सरासर जानबूझ के पूरे के पूरे पंजाब सरकार ने 20 लेटर लिखा है यहाँ की सरकार को कि हमारी पूछताछ में ऐसा आया है कि एक सामाजिक संगठन का बड़ा नेता सुखदेव सिंह जी है, उसकी हत्या करने का अगला प्लान चल रहा है, इसलिए उसको सुरक्षा दी जाए, लेकिन फिर भी नहीं दी। अभी कुछ फीडबैक मिला है आपको पुलिस प्रशासन? अभी तक कोई फीडबैक नहीं है, कल से लेकर अब तक प्रशासन का कोई फीडबैक नहीं है। पुलिस प्रशासन तो खुद अगर भंवर सिंह रेटा, संस्थापक जय राजपूताना संघ। भाई साहब रात भर से आप यहाँ पर बैठे हैं, तमाम जो समाज से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठे हैं, क्या अब तक कुछ फीडबैक आया पुलिस की तरफ से, कुछ इनपुट मिल रहा है कि कुछ पकड़ाया? देखिए पुलिस की तरफ से क्या इनपुट मिल रहा है, किसी अधिकारी ने हमारे से तो आगे कोई मिला नहीं, यहाँ पे नहीं किसी ने अधिकारी ने आके बोला है। यहाँ पे ये बेचारे कांस्टेबल सर लोअर लेवल के जरूर दिख रहे हैं खाकी वर्दी में, बाकी कोई किसी भी अधिकारी ने आके यहाँ आके नहीं बैठा जी, हमारे को ये है मनोज जी बैठे हैं, कल 12 बजे से मैं बैठा हूँ, ये राजेंद्र जी बैठे हैं, भवानी दादा बैठे हैं, और भी राजेंद्र जी गुड्डा बैठे हैं, तमाम समाज के लोग पूरे देश के लोग आए हुए हैं, और ये मूवमेंट केवल राजस्थान का नहीं है, ये आग पूरे देश में लगेगी। सुखदेव सिंह, हम सब सुखदेव सिंह है, एक गया है, हम छोड़ने वाले नहीं है किसी भी कंडीशन में, समाज सड़कों पे है और ये पूरे देश की सड़कें नापेंगे हम। आज बंद का भी आह्वान किया है जयपुर, इट्स अ फर्स्ट मूवमेंट, इट्स अ फर्स्ट रिएक्शन, ये केवल पहला रिएक्शन है, तात्कालिक प्रतिक्रिया है, अभी तो शुरुआत है। ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 3 राज्यों में पंचायतें हो रही है, ये सब पंचायतें बंद हो जाएगी क्योंकि जनता से, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। ये अभी शपथ ग्रहण नहीं किया मनोज जी ने, ये मनोज जी हमारे साथ बैठे हैं, पूरे देश के विधायकों के सबके फोन है, सब सामाजिक संस्थाएं यहाँ बैठी है, एक भी सामाजिक संस्था ऐसी नहीं है जो नहीं है, तो इसलिए और प्रशासन का कोई नुमाइंदा वार्ता करने के लिए नहीं है। 12 घंटे बीतने को है, 12 से 14 घंटे बीत गए, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, है ना, रात भर हम बैठे थे, रात भर कोई नहीं था, कोई नाकाबंदी नहीं है, अभी कोई हमारे लोग आ रहे हैं, कोई भी वेपन आके अभी यहाँ पे कोई शूट आउट करके चला जाए तो हम सब भी शहीद की काउंटिंग में हो जाएगा, सामाजिक शहीद सुखदेव सिंह का पार्थिव देह अंदर पड़ा है, कोई इवन कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करने का प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रशासन तो खुद जा रहा है ये चीज, और पहले भी वो अपनी कमियां ढक रहे हैं, जो 2 साल से सुरक्षा मांग रहे थे वो उन डॉक्यूमेंट्स हम बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, आप निकलवाइए, मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं लेटर्स, है ना, DG IG क्राइम सबके पास, और पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने बोला है, एक भी CM के लेवल पे भी मामला है, गृहमंत्री को पता है, विपक्ष के नेताओं को सबको पता है कि सुखदेव को थ्रेट था, किसी ने एक्शन लिया, किसी का आप मुझे एक मीडिया बयान बता दी, एक स्टेटमेंट, इवन सोशल मीडिया हैंडल पे भी अपडेट नहीं है कि सुखदेव सिंह को सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको क्या लगता है इसमें भी कोई राजनीतिक साजिश रही? खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं जी, साजिश के हिसाब दिख रही है, इट्स अ वेल प्लांड मर्डर कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको साजिश नहीं, वेल प्लांड मर्डर अगर कहें, क्योंकि मारने वाले वो तो टूल्स हैं, वो जो जिन्होंने गन लोड की फायर किया ना, वो तो दे आर ओनली टूल्स, उनके पीछे मास्टरमाइंड दूसरे हैं, और उन मास्टरमाइंड्स को जिन्होंने संरक्षण दिया,
जो लोग यहाँ पहुंचे 20 दिन से घूम रहे हैं, आप अगर आज सुरक्षा बैठा हो 200 राइफल्स आपको पिस्टल्स आपको जयपुर में जब्त हो जाएगी, ये व्यवस्था है। और जयपुर की नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे देश का यही हाल है। आपको हर गए हर पान की थड़ी पे गांजा और नशा बिक रहा है। आप किसी भी 20 साल के बच्चे को यूज कर लो, तो ये चूक है ना। बाबा जी, अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि पार्थिव देह का अब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, अंत्येष्टि भी नहीं हुई, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? पार्थिव देह के प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई अभी तो। पीएम तो उसके बाद का प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, समाज सड़कों पे है, कोई नहीं आएगा, हम बैठे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साल दो साल की तैयारी में, कोई समस्या नहीं है। समाज के लिए जन्म लिया, समाज के लिए मरेंगे, हमारे साथ सब है, वी आर वन। नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री काहे का गठन हुआ है? सरकार का कोई सरकार का गठन नहीं हुआ। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह पूछ के करेंगे हमारे से, अभी शपथ ग्रहण समारोह पूछ के करेंगे हमें, नहीं करेंगे तो जो उपद्रव होगा जनता के जिम्मेदार है। जनता जब सड़कों पे, तो काहे का शपथ ग्रहण समारोह? आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा है क्या कोई? जब लोकतंत्र आप कह रहे हो और जब जनता ने चुना है, तो उनका पहला दायित्व बनता था जनता के साथ आके बैठते, क्यों नहीं प्रतिनिधि आ रहे? आपका नाम एक बार? भंवर सिंह रेठा, संस्थापक जय राजपूताना।